हाँ, नाम सुनते ही कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर याद आ जाती है। उनकी जो छवि आज दिखाई गई इस मूवी में बहुत ही गलत है और बहुत ही नाटकीय ढंग से उसको पेश किया गया है। एक आइडियल मानते हैं हम श्री राम को और उस आइडियल को बदल के रख दिया गया है। ये आदि पुरुष जो मूवी की बात अगर करें तो मेरी पर्सनल राय में मूवी काफी अच्छी बनाई है, मेहनत की गई है मूवी पे। रामानंद सागर से अगर आप इसको रिलेट करेंगे वहां समस्या खड़ी हो रही है। एक दो जगह डायलॉग हैं जहां पर आप कह सकते हैं, जैसे हनुमान का एक डायलॉग आता है वो जलेगी वाला, रामायण बना रहे जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कॉस्ट्यूम में भी बहुत सारे विवाद आ रहे हैं, मैंने देखा भी है तो कुछ सही नहीं लगा मुझे, और डायलॉग तो आप लोग जान ही रहे कि कुछ सही नहीं है। समय के बदलने के साथ हम अपनी पौराणिक मान्यताओं को तो बदल सकते नहीं है। आदि पुरुष का नाम सुनते ही सबसे पहले रामायण की याद आती है और कहीं ना कहीं ये एपिक रामायण को देखते हुए ही बनाया गया है। लेकिन एपिक रामायण आपने देखा होगा, कोविड के दौरान भी देखा होगा जब उसका रीटेलीकास्ट हुआ था, वो किस तरह की छवि, किस तरह के कैरेक्टर्स थे और पूरा हूबहू राम और सीता की छवि दिखाई गई थी। लेकिन क्या इस आदि पुरुष में आपको उसी राम और उसी सीता की छवि देखने को मिली है जो ठीक पहले कुछ वर्षों पहले दिखाई गई थी? उस टाइम के रामायण में और इस आदि पुरुष के रामायण में कितना डिफरेंस है, और इसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल क्यों चल रहा है? इनके कैरेक्टर्स, रोल्स और डायलॉग्स को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद क्यों चल रहा है? कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको लेकर के विवाद कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा विवाद क्यों? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है, छात्रों से ज़्यादा सही शायद ही कोई राय दे पाए। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका नाम? मेरा नाम अपूर्वा है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और आपने जैसा कहा कि आदि पुरुष, हाँ, नाम सुनते ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी ज़रूर याद आ जाती है, और बिल्कुल सही भी है। हम सब मिल करके इस देश में रहते हैं और एक हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं जिसे हम आज सोच रहे, जिसकी कल्पना कर रहे हैं। 6000 साल पहले भारत में श्री राम का जन्म हुआ और उनकी जो छवि आज दिखाई गई इस मूवी में बहुत ही गलत है और बहुत ही नाटकीय ढंग से उसको पेश किया गया है। जो करेक्टर्स दिखाए गए बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहे हैं। एक आइडियल मानते हैं हम श्री राम को और उस आइडियल को बदल के रख दिया गया है। जिन शब्दों का चयन किया गया है, जिन्होंने जो है पटकथा को लिखा और जो है संवाद को लिखा है, उन्होंने इसकी पूरी की पूरी जो एक आइडियल, जो एक हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ठीक है, उनके क्या वक्तव्य ऐसे होंगे? और अगर हम कह रहे हैं कि सिनेमा आज समाज को, सोसाइटी को दर्शाता है, आज क्या हो रहा है उसको दर्शाता है, तो अगर आज के टाइम में कुछ स्लैंग वर्डों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, आज की भाषा की में कुछ विकृति आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही नहीं करेंगे और उसी को हम एक आइडियल बना देंगे और बच्चों को, आने वाले जनरेशन को वही दिखा के उस विकृति को बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसको बदलने की ज़रूरत है, ना कि उसको आइडलाइज करने की ज़रूरत है। इस मूवी ने उसी को आइडलाइज करने की कोशिश की है, तो हम इसका पूरा जो है इसकी निंदा करते हैं। सिनेमा को समाज का दर्पण भी कहा जाता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है इस रामायण को देखने के बाद कि ये सही में जो भारत का दर्पण है उसे दिखाता है और आगे जो जनरेशन आने वाली है वो इस चीज़ को देख करके ये समझ पाएगी कि रामायण जैसी जो हमारी कथा है वो किस तरह की रही हो? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने आदि पुरुष दो बार देखी है, रामायण रामानंद सागर वाली भी देखी है। ये आदि पुरुष जो मूवी की बात अगर करें तो मेरी पर्सनल राय में मूवी काफ़ी अच्छी बनाई है, मेहनत की गई है मूवी पे। रामानंद सागर से अगर आप इसको रिलेट करेंगे वहाँ समस्या खड़ी हो रही है। और जहाँ तक आप कैरेक्टर्स की बात करें, राम के कैरेक्टर को, मतलब मैं सही बताऊँ तो राम, मैंने अपने मित्र से भी ये वाली बात कही कि राम के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह इस फिल्म में दर्शाया गया है और मर्यादा के साथ दर्शाया गया है। कहीं भी कोई उसमें अगर आप देखें कि कोई त्रुटि मुझे तो नहीं लगी। हाँ, एक दो जगह डायलॉग हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे हनुमान का एक डायलॉग आता है वो जलेगी वाला डायलॉग जो है, वहाँ थोड़ी सी समस्या है। लेकिन वो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे एक दो तीन डायलॉग जो हैं वो, अब क्योंकि मूवी 2023 में बन रही है तो आप थोड़ा ट्वीक करोगे उसको, आप 1980s में नहीं बना रहे रामानंद सागर की तरह। तो कपड़ों में मुझे कोई समस्या नहीं लगी, मुझे ओवरऑल जो पोर्ट्रेयल है वो अच्छा लगा। रावण की लंका सोने की थी तो उसमें थोड़ी सी एसगार्ड जैसी दिखा दी है, काली काली, लेकिन उसमें उन्होंने आर्टिस्टिक फ्रीडम का यूज़ किया है। ओवरऑल मुझे आदि पुरुष अच्छी लगी, और मैंने दो बार मूवी देखी है, एक बार थिएटर में जाके देखी है, तो मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अगर हम रामायण की बात करते हैं, आदि पुरुष रामायण को देखते हुए बनाई गई है और जितने कैरेक्टर्स हैं सबका नाम भी वही रखा गया है, स्टोरी भी वही लिखी गई है, तो डायलॉग्स इतना अलग क्यों? डायलॉग्स में ही केवल हमें 2023 को दिखाना था या फिर बाकी चीज़ों में भी हमें 2023 को ही दिखाना था? और अगर मूवी है तो मूवी की तरह दिखाना था उसे, ये नहीं कहना था कि वो रामायण है।
देखिए जो मूवी का पूरा प्रचार प्रसार हुआ ये रामायण के नाम पे ही हुआ, जिसके इतना बिजनेस जो कि एक तरीका होता है। इसमें बहुत सारे विवाद है कि आप रामायण बना रहे हैं जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पहली बात तो इस तरह की मूवी बनाने बहुत रिस्क होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की मूवी अगर बना रहे तो उसमें डायलॉग का चयन कैसा होना चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक मूवी हो सकती है, लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, राम जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, इस देश का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ डायलॉग में उनको चयन सही से करना चाहिए। कॉस्ट्यूम में भी बहुत सारे विवाद आ रहे हैं, मैंने देखा भी है तो कुछ सही नहीं लगा मुझे, और डायलॉग तो आप लोग जान ही रहे कि कुछ सही नहीं है, तो यही सब दिक्कत है, बाकी इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार किया जा सकता है अभी आपने कहा, तो जैसे कि हमने अभी डायलॉग्स सुने इस मूवी के, लंका लगा देंगे और जलेगी तुम्हारे बाप की, ऐसे ऐसे डायलॉग्स, तो आपको भी लगता है कि इन डायलॉग्स में सुधार कर देंगे जो, तो जो पीछे के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है वो बदल जाएगा और वापस से सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या राम जी और हनुमान जी ने सच में ऐसा कुछ कहा होगा? देखिए जब रामायण पढ़ते तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है, ये तो अपनी करोली कल्पना है, जिसको अपने मन से कुछ भी आप बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है इस देश में, लेकिन अब सही करने से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे इसका ध्यान रखा जा सकता है कि आगे जब हम कोई मूवी बनाए तो उसमें या तो हम बनाए ही ना ऐसा रिलीजियस मूवी जिससे किसी की भावना को आहत हो, या बनाए तो इस बातों का ध्यान रखे कि कब क्या कैसे था। अब बात करते हैं इस मूवी के डायलॉग्स जिसने लिखी है, मनोज मुंतशिर की, उन्होंने क्या इस डायलॉग्स, जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया था कि ऐसे डायलॉग्स उन्होंने क्यों लिखे, तो उन्होंने साफ जवाब दिया था कि उनकी जो दादी थी या फिर उनके घर में जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने उन्हें इसी भाषा में इस डायलॉग्स को बताए थे और इसी भाषा में रामायण सुनाई थी। क्या सच में उस टाइम पर कोई इस भाषा में रामायण सुनाता था, या फिर ऐसा कहीं लिखा गया है इस भाषा में रामायण लिखा गया है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, ठीक है, खुद के बचाव के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग का देश है जो यहाँ पे 1,40,00,000 जनसंख्या है, ठीक है, और यहाँ पे किसी के धार्मिक अगर आस्थाओं को लेकर कोई मूवी बनाई जा रही है तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, और इससे कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और राम एक ऐसा नाम है, ठीक है, जो एक आदर्श की तरह पहले जाने जाते हैं, और वो किसी धर्म से जुड़े नहीं है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उनसे उन सब चीज़ों पे, जैसे हनुमान जी हैं, उनसे व्यक्तित्व को लेकर उन पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आइंदा से अगर क्या करनी चाहिए, देश में कोई मूवी अगर रामायण पे बने, राम एक आदर्श की तरह है, उनको वैसे ही लेना चाहिए, ना कि उनके मूलभूत चीज़ों से छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो रामायण अगर है तो रामायण के जैसा ही बनाना चाहिए। अभी फिर से रीटेलीकास्ट की बात हो रही है, कोविड के दौरान हमने देखा था कि रामायण का रीटेलीकास्ट किया गया था, और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो था वो, लोगों के लिए हम शो कह सकते हैं या फिर उनकी भावनाएं भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा देखा गया था। दोबारा से रीटेलीकास्ट करने की बात हो रही है अगले हफ्ते से, ये कितना सही है और लोग उसे कितना पसंद करेंगे इन कंपेरिजन ऑफ आदि पुरुष? जब से पहली बार रिलीज़ हुआ था ये एपिसोड्स आए थे, तब से लेके अभी तक मुझे लग रहा है 3 बार इसका प्रसारण दोबारा और तिबारा कोविड समय में भी हमने देखा हो चुका है, तो मुझे लगता है हम तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करेंगे अगर फिर से हमें दिखाई जाए, और अगर आने वाले समय में ये थिएटर्स में भी आएगी भले ही पार्ट्स में आए, तो हम बहुत बहुत इसका स्वागत करेंगे और आने वाले जनरेशन्स को भी इसको दिखाएंगे, अपने बच्चों को और जो भी अभी नए जनरेशन्स हैं उनको दिखाएंगे। तो जो राम का करेक्टर है, जो एक आइडियल हम जिनको मानते हैं वो कैसे हैं एक्चुअल में, उसी में दिखाया गया है, तो हम उसको ज़रूर बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो रामायण के रीटेलीकास्ट को तो देखना ही चाहेंगे, उसके अलावा जो इसके कैरेक्टर्स हैं उसकी फिर से बात करते हैं। मेघनाथ का कैरेक्टर देख लें, इसमें भी रिलीजियस सवाल उठे थे कि मुस्लिम और हिंदू विवाद फिर इसमें भी आया था कि रावण का कैरेक्टर हम देख ले, रावण ऐसा था क्या, तो इस पर क्या कहना? जैसे सैफ अली खान ने पोर्ट्रे किया है एज रावण, तो अगर आप अपीयरेंस पे जाएं तो उन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, वो बेसिकली एक मॉडर्न साइंस फिक्शन टाइप की बनाने की कोशिश की है उसको, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया मूवी में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं प्लॉट देखूं और VFX की बुराइयां हो रही हैं, VFX ओवरऑल ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, और उसके अलावा मुझे प्रभास का रोल बहुत अच्छा लगा इसमें, उस कृति सेनन ने अच्छा रोल किया है और प्रभास ने बहुत अल्टीमेट रोल किया है। लक्ष्मण का रोल मुझे भी नहीं पसंद आया। मैं ये अगर हम रोल की बात कर रहे हैं तो इसमें रोल का देख लेते हैं कि आपको अरुण गोविल का रोल ज़्यादा पसंद आया था, या फिर कंपैरिजन कर ले तो प्रभास का रोल ज़्यादा पसंद, या फिर सीता के रूप में आप किसको देखते हैं इन दोनों में से, या फिर आप कृति को देखते हैं या फिर दीपिका चिकलिया को देखते हैं?
अब ये सवाल ही आपका मुझे कुछ अलग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी से भी पूछेंगे तो कहेगा पुराने वाले जो रामानंद सागर में जो कांस्य अरुण जी का, दीपिका जी का, तो वो तो बेस्ट है, अल्टीमेट था ना, ऐसा रामायण कभी बना है ना बनेगा, ये तो ना भूव सो ना भविष्यति, ये वाला हाल है। तो फिर कैरेक्टर पे तो यही बोलेंगे कि पुराना वाला ही बेस्ट था। 2023 की बात करें तो 2023 है ये, वो कुछ और समय था, अब कुछ और समय है, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब रामायण भी VFX में बनने लगे। अब समय के बदलने के साथ हम अपनी पौराणिक मान्यताओं को तो बदल सकते नहीं है, बदलना एक इन द सेंस इतना भी नहीं बदल सकते कि ये एक तरीके से भावनाओं को ठेस पहुँचाने लगे, तो हर चीज़ें समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए, यही मेरा कहना है। चीज़ें बदलनी चाहिए लेकिन हर चीज़ें समय के साथ इतना नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारी कोई धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक गीता है, रामायण है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को उसमें छेड़छाड़ करना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना है कहीं ना कहीं, और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अगर आदि पुरुष बनाया ही है, रामायण को देखते हुए बनाया है, तो रामायण के बेसिस पे ही बनाना चाहिए था और उसे हूबहू वैसा ही दिखाना चाहिए था जैसा असल में रामायण था, और रामायण को लोग आज भी पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि पुराना वाला रामायण सभी ने देखा है, उसमें राम की छवि, सीता की छवि किस तरह से दिखाई गई है, जिसे आज भी लोग पूछते हैं, लेकिन आदि पुरुष को लेकर के इतना विवाद हुआ, उसके डायलॉग्स को लेकर के इतना विवाद हुआ, और आदि पुरुष में इस तरह के डायलॉग्स का इस्तेमाल करना कितना सही है, और किस तरह की और बातें उठ करके आती हैं कि उनके डायलॉग्स को दोबारा से बदल दिया जाता है, और उसके बाद इस फिल्म को फिर से स्टार्ट किया जाता है और उसके पैसे कम कर दिए जाते हैं थिएटर्स में कि लोग उसको देखने जाइए। कितना सही है, कितना गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ये थी छात्रों की राय। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।